गणेश नाइक ने किया कोविड केंद्रों का दौरा, घटिया वेंटिलेटर खरीदे जाने पर उठाई जांच की मांग, कामचोर कर्मचारियों को भी हटाने पर दिया जोर। अरवली के भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कोविड केयर सेंटर का समुचित प्रबंधन और उपचार इंतजामों पर चर्चा की। गणेश नाइक ने तुर्भे के राधा स्वामी सत्संग व्यास में पुरुषों के लिए स्थापित 400 बेड के कोविड केयर सेंटर और एपीएमसी के निर्यात भवन में महिलाओं के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर का भी दौरा किया। पूर्व मंत्री ने दौरे के बाद जहां मनपा के कुछ इंतजामों को बेहतर बताया, वहीं कोरोना मरीजों के लिए मंगाए गए वेंटिलेटर की कमी और उसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने सूत्रों के हवाले से कहा कि वेंटिलेटर घटिया हैं, ऐसे में उसकी वजह से यदि किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार भला कौन होगा। विधायक गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त से वेंटिलेटर की गुणवत्ता की जाँच कराने की भी मांग की है। परंतु ती यंत्रणा ज्या उद्दिष्टाकरता केली त्या उद्दिष्टाबर हुकूम ती यंत्रणा चालणं त्याच्यामध्ये ते त्याचं यश लपलेलं आहे। मी आयुक्त महोदयांना बोललो की मधल्या काळामध्ये जे व्हेंटिलेटर खरेदी केले त्याच्या दर्जाविषयीच मला शंका आहे। जे केंद्र सरकारचा आरोग्य विभाग, राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग त्यांनी जे मानांकन त्या ठिकाणी ठरवून दिली होती त्याच्यापेक्षा लोअर कॅटेगरीची यंत्रणा व्हेंटिलेटरच्या बाबतीमध्ये खरेदी केल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे। हे अजून मी काय त्या मतापर्यंत आलेलं नाही, पण आयुक्त महोदयांना मी सांगितलेलं आहे ही बाब तपासून बघा। जर का ती यंत्रणा निर्माण करताना लो कॅटेगरीची जर त्या ठिकाणी यंत्रणा वापरली असेल ती पैसे गेल्याचं दुःख नाही, परंतु ते यंत्रणा चुकीच्या पद्धतीने राबवल्यामुळे ज्या लोकांचे जीव गेले असतील तो जीव काय आपल्याला भरून काढता येणार नाही। आणि म्हणून अशा बाबतीमध्ये जे जबाबदार लोक असतील ज्यांनी खरेदी केले असतील त्या लोकांची चौकशी करून त्यांच्यावर मॅक्झिमम जे कायद्यामध्ये जे काय शिक्षा देणार किंवा त्यांना पनिशमेंट व्हायला पाहिजे ती करावी अशा प्रकारची मागणी मी केलेली आहे। बता दें की गणेश नाईक लगातार मनपा आयुक्त से मिलते रहे हैं और कोविड उपचार इंतजामों का जायजा लेते हैं। दो दिन पहले उन्होंने अरवली का दौरा किया था। एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ने कहा कि कोविड उपचार के नाम पर सिर्फ खाटों का इंतजाम काफी नहीं है, उसके साथ नर्स, डॉक्टर्स, वार्ड बॉय और औषधियां भी जरूरी हैं। उन्होंने वादा दोहराया कि हम हर हफ्ते इसका आकलन करते रहेंगे। गणेश नाइक ने कुछ अधिकारियों की मनमानी और काम के प्रति उदासीनता का हवाला देते हुए ऐसे अधिकारियों को तत्काल छुट्टी देने का भी सुझाव दिया। राधा स्वामी सत्संग तिथे पुरुषांकरता त्यांनी सोय केलेली आहे आणि हे एक्सपोर्ट भवनमध्ये या ठिकाणी महिलांकरता केलेलं आहे। आता मी त्यांना तेच सांगितलं की व्यवस्था असणे आणि व्यवस्था राबवणं याच्यात फरक आहे। ज्या वेळेला पेशंटला गरज असते त्याने बेल वाजवल्यानंतर त्याला त्याच्याकडे अटेंडर गेला पाहिजे, त्याची अडचण समजून घेतली पाहिजे। आणि मला आशा आहे की दर आठवड्याला मी महापालिकेत येणार आहे। जोपर्यंत नवी मुंबई शहराचा कोविडचा आकडा शून्य होईपर्यंत मी दर आठवड्यामध्ये महापालिकेला येऊन त्यांच्यामध्ये चांगलं काम केलं त्यांचं कौतुक पण करणार आहे। ज्या उणिवा असतील त्या उणिवा दाखवण्याचं काम करणार आहे। शेवटी 10 लोकांपैकी एखाद्या घटकानं जरी काम चुकारपणा केला तर त्याचा दोष 10च्या 10 लोकांना।
आणि म्हणून अशा थकल्या भागलेल्या लोकांना ज्यांची मानसिकता काम करण्याची नसेल अशा लोकांना बाजूला करणं गरजेचं आहे आणि जे कार्यक्षम आहेत अशा लोकांना त्या ठिकाणी ठेवणं गरजेचं आहे। हालांकि अभी पहली बार हुआ जब गणेश नाईक के साथ नगर सेवकों का बड़ा कुनबा नजर आया। उनके दौरे में भी दर्जनों गाड़ियों का काफिला नजर आया जो उनके मंत्री काल की याद दिलाता है। इस दौरान महापौर जयवंत सुतार, नेत्रा शिर्के, शुभांगी पाटिल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।